अभी अभी मैंने जिगाडो मूवी देखी कपिल शर्मा की। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये मूवी जो है ना बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन भाई उन्हीं लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और भाई ये जो मूवी है ना एक रियलिटी पे बेस्ड है जो आज के टाइम पे डिलीवरी बॉय के साथ होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कपिल शर्मा जो है ना भाई अपने कॉमेडी में ना मास्टर, इंडिया में उनको बीट करने वाला अभी तक कोई बंदा नहीं आया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कॉमेडियन है ऐसा कैरेक्टर वो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिस हिसाब से फैमिली के साथ मतलब एक सीरियसनेस का किया है भाई साहब, यार मजा आ गया। खाली नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मूवी प्रेजेंट करती है ना बहुत ही ज्यादा रियलिटी को प्रेजेंट करती है। एक नॉर्मल इंसान जो रहता है, बंदा जो डिलीवरी बॉय में काम करता, जैसे आपको पता होगा स्विगी, जोमैटो, फूडपांडा बहुत सारे हमारे इंडिया में उनके जो ड्राइवर्स होते हैं डिलीवरी बॉय भाई साहब, वो सैलरी के लिए और मतलब थोड़े बहुत इंसेंटिव के लिए कितना ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। एक ऑर्डर से लेकर यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर कवर करना रहता है। तो भाई साहब उसी सब चीज़ को कपिल शर्मा ने अपने अंदाज में बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया। और भाई साहब बता दूँ उनकी एक्टिंग देख कर यार सच में मेरे को रोना आ गया कि वो बंदा किस लेवल तक जा सकता है। मतलब सच में उस बंदे के अंदर एक क्वालिटी है कि वो किसी भी तरीका का एक्टिंग कर सकता है। उसके पास एक और चीज बहुत ही बड़ा दिखाया गया कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना भाई साहब, वो अपने डिलीवरी बॉय को मतलब इज्जत ही नहीं देती है। उनका बस यही मानना है कस्टमर जो बोल देता है वो सच हो जाता है। तो भाई ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप 10 बंदे से डील करें तो भाई कभी कभी कस्टमर भी गलती कर सकता है, उनका भी फॉल्ट होता है। लेकिन जो डिलीवरी वाले कंपनी होती है ना वो भाई साहब अपना रेपुटेशन बचाने के लिए भाई साहब सब जितना भी जिम्मेदारी होता है सब डिलीवरी बॉय पर ही लाद देते, और सब कुछ उनका ही लॉस हो जाता है। उनका सैलरी कट होता है, उनका इंसेंटिव कट होता है, रेटिंग गिर जाता है भाई साहब। अब रेटिंग की वजह से उनको कम ऑर्डर मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सैलरी है उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आता है। तो ये सभी चीजों को इस मूवी में दिखाया गया। मूवी में और भी बहुत कुछ दिखाना चाहिए, जैसे कि एक डिलीवरी बॉय की सैलरी एक्चुअली में कितनी आती है मंथली, उसके बाद उसका खर्चा कितना होता है, वो किस तरीके से बजट करता है। लेकिन इसमें उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, खाली ये दिखाया गया कि इंसेंटिव कितना होता है भाई, तो उनके बच्चे के ऊपर कितना खर्चा होता है, पेट्रोल का कितना खर्चा होता है, और वो भाई कितना घंटा काम करता है बंदा, उसके खाने का ठीक नहीं रहता, पीने का ठीक नहीं, सोने का कोई टाइमिंग नहीं रहता, मतलब एनी टाइम रहता है कि जल्दी भागो, ऑर्डर डिलीवरी करो, बस यही सब कुछ उसके जिंदगी में होता है। वो सब चीज के वजह से ना भाई साहब उनकी जो निजी फैमिली जिंदगी होती है उसमें कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब कुछ इस मूवी में बताया। तो मैं भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस मूवी को जरूर जाकर देखो। देखो इस मूवी के स्क्रीन्स बहुत कम मिले भाई साहब, अच्छी मूवी को पता नहीं यार लोग पसंद क्यों नहीं करते। ये बहुत ही अच्छी मूवी आपको एक इंस्पिरेशन देगी कि भाई साहब एक नॉर्मल जो इंसान होता है मिडिल क्लास उसकी लाइफ कैसी होती है भाई। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये मूवी को जाकर देखो। तो चलो आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।